सर आपका एक बहुत की रोल है ए, लाहौर की सकाफत को रिस्टोर करने में इसके रिच कल्चर को रिस्टोर करने में और वो भी आपने किया आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द सिविल सर्विसेज तो सर इसके पीछे का क्या फैसला था सर ये कहानी तो आ, सर्विस के दौरान ही शुरू हो गई थी और आ, सो मैं शुरू में इस लाहौर की वैसे जम्पल हूँ यहीं पर स्कूल कॉलेज मेरा और गवर्नमेंट कॉलेज सेंट एंडी स्कूल और तब उस ज़माने में वजह शनाख्त अगर कोई थी तो स्विमिंग थी तैराक था बहरहाल सिविल सर्विस में आने के बाद मैं सिंध पोस्ट हो गया दस साल के बाद नाइनटीन uh, नाइन्टी में आई केम टू पंजाब और लाहौर में नाइन्टी थ्री में तीन साल डिप्टी कमिश्नर लाहौर रहा उसके अलावा पाँच साल uh, मैं हॉर्टिकल्चर um, से मेरी विच मींस पाक्स एंड हॉटिकल्चर अथॉरिटी ये पहली दफ़ा तश्ील पाई और आ, मैं समझता हूँ मेरी जो टर्निंग पॉइंट था करियर में वो एक नॉन जॉब थी और वो थी यही जिसका मैं नाम ले रहा हूँ पाक्स एंड हॉटिकल्चर लेकिन उसकी धुन में उसके मैं ऐसा आ, लहर में मगन हुआ कि बहुत से चौक चुराहे बाग बगीचे और मॉल रोड की तसीन और, इश उसके अलावा जो ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट जैसी जगह फिर रेस कोर्स में जश्न बहारा कनाल मेला और फूड स्ट्रीट और ग्वाल मंडी एक्सेट्रा एक्से्ट्रा सो so, ये सफ़र तब से जारी था और गली महलों में काम करने का जितना मज़ा आता है शायद वो मैं जिमखाना में भी इलेक्ट हुआ चेयरमैन लेकिन आ, मुझे जोश नशा मज़ा वहाँ भी बहुत काम किए लेकिन यह, यहाँ सो so, रिटायरमेंट के बाद मुझे जिस तरफ आप बात कर रहे हैं मौका मैसर हुआ है टू बी द डी जी ऑफ द वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ये भी एक नया महकमा बना तो उसमें फिर बहुत सारे काम हमने जारी सारी रखे और खुशबकती ये है कि मुझे टेन भी लंबा मिलता रहा है अपनी मर्जी की जॉब भी मिलती रही है तो सर दिस इज़ इज़ सर आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था आफ्टर बिकमिंग द डीजी Uh, यहाँ पर uh, सबसे काबिल ज़िक्र है शाही हमाम और ये इस तरह से हुआ कि एक इंटरनेशनल uh, बॉडी है जिसका नाम है आगा खान ट्रस्ट जी फॉर uh, कल्चर वो यहाँ पर मेरे आने से पहले कुछ मायूस हो के चले गए थे दे पैक्ड अप एंड गॉन सो आई वैपन टू गेट दम बैक तो उन्होंने मुझे कहा हम तुम्हारे साथ पाँच महीने का एम करेंगे तो आज बारह साल हो गए सो वी वर्किंग टुगेदर एंड वी बोथ आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर और ये जो शाही हमाम का प्रोजेक्ट है ये भी इस जरिए से अगर ना होता तो शायद उसमें ये चार चांद ना लगते इसको यूनेस्को अवार्ड मिला है और इसको विलियम डार्लपल कहता है कि दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट आई एव सीन इन द होल ऑफ साउथ एशिया उसके अलावा गली सुरजन सिंह और ये जो मेन ट्रेल जिसको शाही गुजरगा कहते हैं जो दिल्ली दरवाजे से तो इसमें लोगों को हमारे बहुत सारे काम नज़र आते हैं खुश होते हैं लेकिन असल काम जो हमारा है वो ज़मीन दोज है यानी वो नज़र नहीं आता लेकिन सत्तर फीसद हमारी एफर्ट और फंड्स uh, जो हैं वो वहाँ पर स्पेंड हुए हैं वो इसलिए कि हमने वहाँ का नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो uh, कायम किया है तारें जो कि अभी तक अब हम माल रोड से आजकल नीचे लाने की कर रहे हैं इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे मगर एम एम आलम रोड बहुत सारे शहर की जगहों पर वो इसी तरह लटकी हुई हैं जंजाल बना हुआ तो वहाँ ज़मीन दोस्त हुई उसके अलावा नया सीवरेज नया ड्रेनेज नया गैस लाइन्स ये वो सो इट्स ए कम्प्लीट रीबिलिटेशन प्रोजेक्ट इट्स नॉट जस्ट डेकोरेटिव और ये अंदरून लाहौर में तभी मुमकिन होता है जब आप लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं तो कम्यूनिटी मोबलाइजेशन हमारा एक मेन टारगेट था सो मेरा इसी से एक सवाल नया ये उठता है कि हम देखते आएँ कि पाकिस्तान में या तो प्रजर्वेशन रेस्टोरे रेस्टोरेशन के नाम पर हम एक तरह से कह लें कि उस कल्चरल साइट को ना या तो लोगों से पूरा छुपा ही देते हैं एक तरह से ढक देते हैं या फिर हम उसका कुछ करते हैं नहीं हैं एंड वी सी इट डेंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो आपकी अप्रोच इसमें हाउ डिफरेंट हैज़ इट बीन सोफार वन एटी डिग्री डिफरेंट मैं इस चीज़ को बर्मला कहता हूँ कि वाकई हम चीज़ों को बंद रखने के माहिर हैं और उस पर पता नहीं हर तरफ सुकून भी रहता है मैंने किसी को इतराज़ करते शोर मचाते भी नहीं सुना शोर तभी मचता है जब आप कुछ करते हैं और चीज़ों को खोलते हैं सो बंद मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट इन आवर कंट्री मैं आपको मिसाल देता हूँ ब्रैडले हॉल एक हिस्टोरिक हॉल है जहाँ गांधी और नेहरू भी आए ये अब तो लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि वो बंद रखी हुई हैं लोगों को तो फिर हम गिला करें कि महकमों ने वो जो है सेंट्रल मॉडल स्कूल उसके पीछे ये हिस्टोरिक हॉल है, है पच्चीस साल से बंद रहा अब हमने उसको महनतें कर, कर खोला है और उस पर आजकल रे, रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं किले के अंदर आप देख लीजिए ये शाही खाना इसका नाम भी किसी को मुझे नहीं पता था तो एक दिन ऐसे ही जाके उस पर पहुंच गए तो ये क्या है भाई ये शाही बावरची खाना है तो वो कभी चालीस साल पहले कुबत खाना होता था चलें आबाद तो था कुछ लोगों से उसके बाद तो वो जंगल बन गया उसको हमने बहाल किया अभी आजकल इस तरह की मैं बेशुमार मसाले दे सकता हूँ जिनको हम ताले लगा के बंद करके किला जो था कभी मगरब के बाद खुला ही नहीं था इट वॉज़ अ नो गो एरिया आज आप देखिए जितने उसका रोशन किले की और उसकी आवेज़ा हुई हैं लाइट सब चीज़ें और जो जाजबियत आई है तो कौन सा ग्रुप है जो आज कर, नहीं आना चाहता वहाँ पर तो इसी तरह एक एक बड़ी काबिल ज़िक्र जगह है उसमें किले के अंदर जो अब हमें मैसर हुई क्योंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अब मुकम्मल तौर पे आ, किले से जा चुका है तो वहाँ उन्होंने अपने दफातर बनाए हुए थे उसका नाम है खड़क सिंह हवेली खड़क सिंह हवेली तो खड़क सिंह हवेली का किसी को पता ही नहीं होगा किले के अंदर वो इस तरह है लेकिन वहाँ चुके दफ्तर थे नो गो एरिया था और जो उसके हालात थे मैं उस तरफ नहीं जाता लेकिन वो इतनी हिस्टोरिक जगह को दफातर में और ऊपर सीमेंट चूने उनको फिर अब हम आजकल बहाल कर रहे हैं और इन महीनों के बाद आप देखेंगे कि खड़क सिंह हवेली लोगों के साथ और फिर आई कीप सेइंग यू हैव टू कनेक्ट बिल्डिंग्स विद द पीपल दिस इज़ अ फ्रेज दैट वी हैव कॉइंड कि खाली बिल्डिंग को फोकस करना उस पर प्रोजेक्ट बनाना और उसको जैसा कैसा ठीक कर लेना और फिर वापस चले जाना दैट मीन्स नथिंग टू मी दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कि अब आप, आपने एक बिल्डिंग को ठीक किया है कोई किसी महकमे ने भी किया है तो अब उसको आपका एंड रिजल्ट तो लोग हैं आवाम है अगर वो नहीं उससे मुंसलिक हो सकी या उससे जुड़ी नहीं आपने मार्केटिंग नहीं की आपने उनको इनवाइट नहीं किया आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं किया तो उस पर पैसे लगाने का कोई ख़ास मकसद नहीं सो वी हैव कनेक्टेड ऑल आवर हिस्टोरिक स्पेसेस बिल्डिंग्स विद द पीपल जो नहीं भी आते हम उनके लिए कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा इवेंट क्रिएट करें कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस कोई ऐसी ओकेजन uh, कि जिससे फिर आते हैं लोग तो कहते हैं अच्छा जी हम तीस साल बाद आए हैं पच्चीस साल बाद आए हैं चालीस बट आई होप पीपल कम टू दीस प्लेसिज़ वर्ल्ड बैंक कई दफ़ा यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ इधर उधर पूछता हूँ कि अच्छा भाई आप में से वज़ी खान मस्जिद वर्ल्ड सिटी लाहौर जो हमारा कम अज़ कम रिहेबलीटेटेड एरिया है कितनी दफ़ा आप गए हैं तो उनमें से अभी भी बीस तीस फ़ीसद से ज़्यादा नहीं होते फिर मैं पूछता हूँ मैकडोनल्ड्स कितने लोग गए हैं तो फिर वो तकरीबन सौ फीसद होते हैं तो पीपल शुड गो टू देर हिस्टोरिक प्लेसेस गो टू लाहौर फोट टू शालेमार और ये जगह बड़ी इंप्रूव हुई हैं बाहर के मुल्कों में इससे बहुत कम दर्जे की जगहों पर हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके लाइनों में लग के देखते हैं और अपने मुल्क में कभी कभी मुझे यूँ लगता है चराग तले अंधेरा सर वही बात होगी ना कि हम मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम अपना कल्चर छोड़ चुके हैं